आत्मा प्ले कर रहा हूँ, जिसमें एक सास बनी है, एक बहू है और एक बेटा है। तो फिर ये सास जो है कोयल और मयूरी को नाचते हुए देख के उसको एक जलसी हुई कि मैं इनसे अच्छा नाच सकती हूँ। तो फिर वो गई अपना रूप लेके चली आई मेंढक को देखे। मुझे शेम तो हो रहा हूँ मगर अच्छा लग रहा है कि पहली बार लड़की बना। वो तो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि क्यों वो कंपटीशन दे रहा है सडनली, पर उसका जो डांस है वो लेकिन मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली देखने में भी इतना मजा आ रहा है, तक क्यूट लग रहा है। दैट वो एक्चुअल में आइटम सॉन्ग है, मतलब जिसको आइटम सॉन्ग बोलते हैं ना वही है। आइटम देख के आप एंटरटेन्ड होते हो तो दैट इज ही इज डूइंग द एक्चुअल आइटम नंबर। उसका जो ठुमका था ना वो मतलब मिलियन डॉलर था, दोनों एक साथ करते वो वाला ठुमका। एक्चुअली हमें एक्चुअली भी नहीं पता सच्ची में, क्योंकि वो तो हमारे साथ भी शूट नहीं हुआ तो इसलिए हमें जेन्युइनली नहीं पता, पर इतना पता है कि भूत आ गया है घर के अंदर और मेंढक के अंदर ही आ गया। तीन भूत इस बार, एक भी नहीं, तो इट इज रियली गोइंग टू बी फन। पिछली स्टोरी अकबर बीरबल की थी, उससे बाहर अनारकली बाहर आई और अचानक से अब जो भूतों का वो आया है, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। दूसरी कॉमेडी शोज में लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि भूत नहीं कोई प्रैंक कर रहा होगा और नकली भूत होंगे, पर दिस इज आवर डायरेक्टर्स कमाल कि वो हमेशा असली भूत को लेकर आते, विच इज आउटस्टैंडिंग। मतलब लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि सच्ची के भूत आ गए होंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म।